डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम सेकंड ईयर की द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रृंखला के तत्वों की रसायन का जो कंपैरिजन की स्टडी कर रहे हैं वो है सेवंथ बी वर्ग। इस वर्ग में एमएल, टीसी और आरई तत्व आते हैं। हम जानते हैं कि लैंथेनाइड संकुचन कारण इस वर्ग के दोनों भारी तत्व टीसी टेक्नीशियम तथा रीनियम आरई एक दूसरे से काफी समानता रखते हैं। बड़े तत्वों टेक्नीशियम तथा रीनियम के लिए 6 समन्वय संख्या काफी सामान्य है, लेकिन छोटे तत्व मैग्नीज यौगिकों के लिए चतुष्फलकीय संरचना सर्वाधिक सामान्य है। फिर भी मैग्नीज तथा टेक्नीशियम की तुलना में रीनियम उच्च समन्वय संख्या के यौगिकों संख्या के यौगिक बनाने की अत्यधिक प्रवृत्ति पाई जाती है। इन तत्वों की स्टीरियो रसायन हम दी गई टेबल सारणी से स्पष्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर स्टीरियो रसायन Mn मैग्नीज, टेक्नीशियम एम रीनियम, या इन दोनों के बराबर एम भी लिख सकते हैं मेटल। पहला जो कोऑर्डिनेशन तत्व है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये इसकी स्टीरियो रसायन चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल, और मैग्नीज में इसका जो कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है MnO4 का होल माइनस आयन, जबकि टेक्नीशियम और आरई जो ये वर्ग है ये जो इसके कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स है वह है MO4 माइनस आयन। Me4 में आपके दोनों को आप ले सकते हो, TCO4 और आपके दूसरा है REO4। दूसरे जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उनके दूसरी तरह की स्टीरियो रसायन भी है जो कि वर्गाकार समतल्य स्क्वायर पिरामिडल बनती है। उनमें मैग्नीज की है Mn थैलोसाइनिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि टेक्नीशियम और रीनियम में इसके वेल नोन या ज्ञात नहीं है। तब जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है वो स्ट्रक्चर किस तरह की बनाएंगी, स्टीरियो रसायन त्रिभुज द्विपिरामिडीय है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। इसके मैग्नीज के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो MnCO का होल 5 माइनस चार्ज, जबकि इसमें आपके REF5 और MCO का होल 5 माइनस आयन, यानी रीनियम का बनाता है और दोनों के भी बनाते हैं कार्बोनिल समूह के साथ MnTCB और REB MCO का होल 5 माइनस। इस तरह के ये दो तत्व यहाँ भी बनाते हैं, इसको आप इस तरह से देख सकते हो। MCO5 में आपके M में क्या आ जाएंगे, TC और REO के हमने ऊपर मेंशन कर रखा है इसको। अगला जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है वो वर्गाकार पिरामिड स्ट्रक्चर प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल MnCl5 का होल 2 माइनस आयन, और इधर टेक्नीशियम रीनियम में ReCl8 2 माइनस आयन और MoCl4। MoCl4 में आप वर्गाकार पिरामिडी में आप MoCl4 है उनको दोनों को यूज आप कर सकते हो, टेक्नीशियम और रीनियम। तो इस तरह के ये तत्व अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो कि अष्टफलकीय संरचना प्रदर्शित करते हैं उनके तत्व हैं MnF6 2 माइनस आयन और Mn2CO का होल 10। ये दो तरह के कंपाउंड आपके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, Mn के एक फ्लोराइड के साथ और दूसरा कार्बोनिल CO समूह के साथ भी बनाता है। इधर टेक्नीशियम और रीनियम में आपके अष्टफलकीय वर्गाकार पिरामिड की बात करते हैं तो आपके आर ई
टू सी एल ए टू माइनस आयन और एम ओ सी एल ओ फोर अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब जिनका कोऑर्डिनेट नंबर छह या सिक्स होता है उसमें अपन क्या डिस्कस कर रहे थे, अष्टफल किए, यानी जिनके कोऑर्डिनेट नंबर छह हो, जो कि मेटल को आपके छह बॉन्डों से बंधे हों, तो उनमें एक तो एम एन एफ सिक्स है ये जो कि, और एक एम एन टू सी ओ का होल टेन, जबकि टेक्नीशियम और रीनियम में आर ई एफ सिक्स था, तो यहां ये हो जाएगा आर ई टू एफ सिक्स और एम ई टू सी ओ का होल टेन। दो तरह के बनाते हैं ये, रीनियम का फ्लोराइड के साथ और आपके इसमें टेक्नीशियम और रीनियम दोनों के दोनों ही आपके कंपाउंड बनाते हैं, यानी इस तरह से इसको आप देखते हैं तो टी सी के टू और सी ओ का होल टेन भी बनाता है, और या रीनियम का भी आप ले सकते हो टू सी ओ का होल टेन, इस तरह के कॉम्प्लेक्स इसमें बनते हैं। एक और है जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, छह है, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर सात वाले कौन से आ जाएंगे, पंचभुजीय बाईपिरामिडल, यानी पेंटागोनल बाईपिरामिड या पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। इसमें आपके एग्जांपल है एम एन एनओ थ्री का होल थ्राइज और बी आई पी वाई बाईपिरामिड एप्रेडीन है, तो इसके साथ भी ये मैग्नीज वाला बनाएगा, जो कि उसकी संरचना कैसी होगी, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। जबकि एक रीनियम के साथ बनाता है और उसकी संरचना है आर ई एफ सेवन का होल, यानी एक तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और एक ये बनता है सेवन वाले में। जबकि आठ जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, आठ हो, तो क्या बनाएंगे, द्वय दस फलकीय, दो डेकाहेड्रल संरचना बनाते हैं। उसका एग्जांपल मैग्नीज़ में एम एन एनओ थ्री का हो, एनओ थ्री का होल फोर टू माइनस आयन, और इधर रीनियम वाले बनाते हैं आर ई एफ ए टू माइनस आयन। तो जो सेवेंथ वी वर्ग है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर चार से और कहां तक प्रदर्शित करते हैं, आठ तक, चार पांच छह सात और आठ के आपको इसमें एग्जांपल में शामिल कर सकते हैं। और इनका कारण है कि लेंथनाइट संकुचन के कारण ये जो भारी तत्व हैं ये क्या कर रहे हैं, इनकी जो दोनों तत्व हैं इनकी स्ट्रक्चर लगभग कैसी हो जाती है, सिमिलर, इनकी साइज लगभग समान होती है, इसलिए इनके जो तत्व होंगे जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो भी क्या है, एक दूसरे से इस तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर होती हैं, एक जैसी स्ट्रक्चर प्रदर्शित करती हैं, और ये हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अगला अपना टॉपिक है एर्थ वर्ग, एर्थ को जो कि तीन में आपने बांट रखा है, तीन उनमें बांट रखा है, उस पर डिस्कस करेंगे, और उसके भी एग्जाम्पल आपके अलग अलग हैं, उनके अलग अलग कोऑर्डिनेशन हैं, जिनकी कोऑर्डिनेशन संख्या हुई तीन चार से आप स्टार्ट करते हैं, कि हायर में आपके क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर चार से स्टार्ट होती है, क्योंकि लोअर में चलते हैं तो वहां पर क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर एर्थ वर्ग, इस वर्ग में तीन स्तंभ होते हैं, एर्थ की जब बात करते हैं तो इसके कितने होंगे, तीन स्तंभ होते हैं यानी वर्ग होते हैं। इन तीनों वर्गों की स्टीरोसाइन की विवेचना पृथक पृथक करेंगे, कहने का मतलब तीन है तो तीन ही ग्रुपों के अंदर उनकी अपन क्या करेंगे, स्टडी करते हैं, कि एक तो एफी ग्रुप है, दूसरा नेक्स्ट कोबाल्ट ग्रुप है, और जो लास्ट है इसका थर्ड वो है निकिल ग्रुप। तो इन तीनों की अलग अलग करेंगे, तो यहाँ इसमें आपके कौन कौन से ग्रुप आ जाएंगे, एक तो एफ आयरन ग्रुप है, और यहां पे आर यू और ओ एस, यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मेटल के रूप में, दोनों को आप अलग अलग नहीं लिखना चाहते हो जब भी आप क्या इसको लिख सकते हैं,
कि ये इसका क्या रहेगा, पैटर्न यही रहेगा। अब इसको कोबाल्ट, रोडियम एंड रीडियम, यानी अलग अलग कोबाल्ट ग्रुप में तो अलग अलग हैं, और अपन जिसकी कर रहे हैं वो क्या है, आयरन, रूथियम और ऑस्मियम, एफ ई आर यू और ओ एस के लिए सर्वसामान्य व्यवस्था अष्टपलकीय होती है। इनकी क्या होती है, इनकी जनरल जो स्ट्रक्चर है वो सी एन नंबर 6 और क्या होगी, अष्टपलकीय, ऑक्टाहेड्रल इनकी जो संरचना है। उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में रूथियम की अपेक्षा ऑस्मियम में 6 समन्वय संख्या प्राप्त करने की अधिक प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार रूथियम ऑक्साइड के साथ की तुलना में ऑस्मियम में ज्यादा कैपेसिटी होती है, OSO4 की योगिक बनाने के अधिक तेजी से विस्तारित होते हैं। तो रूथियम तथा ऑस्मियम उपसंयोगक इनके अनुरूप बहुत कम ज्ञात हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या 7 और 8 हो। इनकी कम है, यहाँ क्या है, 4, 5 और 6 वाले कंपाउंड इनके ज्यादा ज्ञात हैं। तो हम इनकी सभी की स्टडी अलग अलग देखेंगे जिनमें अलग अलग ज्ञात हैं उनको अपन। तो पहला कोऑर्डिनेशन नंबर मैग्नीज ग्रुप, आयरन ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक ने तो संग्रह संख्या क्या है, 3 है, तो 3 है तो क्या होगा, समतलीय। और आयरन में इसके एग्जांपल है वो है एफ ई एन एस आई एन ई 3 का होल ट्वाइस और होल थ्राइस, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। जबकि इसमें ज्ञात नहीं जिनके 3 है, जिनका समतलीय संरचना है बनाते हैं, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो क्या बनाएंगे, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। इसके एग्जांपल आयरन के है पीसीओ का होल 4 2- और एफ ई सी एल 4-। रूथियम और ऑस्मियम में आपके इसके जो कॉम्प्लेक्स हैं वो आप एम से लिख सकते हो, सी ओ का होल 4 2- आयन दोनों ही बनाते हैं, या फिर रूथियम का ऑक्साइड 2- आयन। इनकी सभी की संरचना कैसे होंगी, चतुष्फलकीय। जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हैं उनकी त्रिभुजीय 2 पिरामिड, और इसके एग्जाम्पल कौन सा है, वेल नोन है एफ ई सी ओ का होल 5। और इसके भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दोनों ही बना सकते हैं, इस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के एक और है जो बनाते हैं, वर्गाकार पिरामिड, वर्गाकार पिरामिड इसके ज्ञात नहीं है वर्गाकार पिरामिड में, जबकि ऑस्मियम इसमें प्रदर्शित करता है ओ एस एन सी एल 4-। और जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो क्या बात करेंगे, अष्टफलकीय। और आयरन के इसके ज्ञात हैं खूब सारे, सीएन का होल 6 पढ़ चुके होंगे आप पहले भी इसका। और इसमें रूथियम ऑस्मियम में कॉमन है तो ये क्या बनाते हैं, एम एल सी एल 6-3-I बनाते हैं। इसके अलावा और कोऑर्डिनेशन नंबर जिनके 7 हैं उनके पंचभुजीय 2 पिरामिड, पंचभुजीय 2 पिरामिड। इसका उदाहरण भी वेल नोन है ई डी टी ए और एस 2 बनाता है, जबकि ऑस्मियम का एक ही है ज्ञात एफ 7। और 7 का एक और है ज्ञात विकृत अष्टपलकीय,
संस्कृत अष्टपलकीय। इसका एग्जाम्पल आपके कौन सा है? एफ ई टू सी ओ का होल नाइन, और इसके कोई ज्ञात नहीं है। और एक लास्ट एट वाला जो है दस पलकी, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? एफ ई एन ओ थ्री का होल फोर माइनस, जबकि इसका ज्ञात नहीं है। तो इसके कॉमनली आपने देखा होगा पिछले उनमें भी एट्थ वर्ग में भी तीन से लेके आठ तक करते हैं, पर सिक्स तक इनके क्या है वेल नोन है, या सेवन के भी का कंपाउंड सिक्स तक लगभग दोनों एक ही बताते हैं। थ्री का जरूर, क्योंकि इनकी संरचना थोड़ी बड़ी होती है आकार, इसलिए थ्री वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कम बनाएंगे। तो इसमें आपके थ्री फोर फाइव, फाइव के कुछ हैं सिक्स के, एट के इसमें दोनों में, सेवन्थ और एट के इनमें नहीं है, किसमें? रूथियम और ऑस्मियम, क्योंकि इनकी क्या है साइज बड़ी होने की वजह से ये क्या करते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर कम दिखाते हैं। एफी इसका कारण क्यों? प्रत्येक आवर्त में बाईं ओर चलने पर आयनों का आकार घटता जाता है तथा उच्च समन्वय संख्या वाले युग्मक बनने की प्रवृत्ति क्या होती है घटती जाती है। एफी आर यू ओ एस के लिए सर्व सामान्य व्यवस्था अष्टफलकीय है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? छह हो। उच्चतर ऑक्सीजन अवस्था में रूथिनियम की अपेक्षा ऑस्मियम में छह समन्वय संख्या प्राप्त करने वाले की अधिक प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार रूथिनियम आर यू ओ फोर की तुलना में ओ एस फोर यानी ये ज्यादा है कॉमन, ये वाली संरचना ज्यादा बनती है अपने संयुक्त क्षेत्र को विस्तारित करने की प्रवृत्ति में अधिक होती है। तो इनमें कॉमनली क्या है कि तीन से और छह वाले कॉम्प्लेक्स ज्यादा प्राप्त बनते हैं, और जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक हैं वो क्या बनाएंगे? ये वाले बनाएंगे। फिर भी ये सात और आठ के इनके भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बहुत कम ज्ञात हैं।